कोरोना के टारगेट पर बच्चे। कोरोना के निशाने पर नौजवान। कोरोना के खतरे का नया एंगल। दूसरी लहर का नया डेंजर। अगर आप कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखकर भी बेफिक्र हैं, तो सावधान हो जाइए। कोरोना संक्रमण की नई चाल बहुत डरावनी है। अब तक यही कहा जा रहा था कि कोरोना का खतरा बच्चों और नौजवानों में कम है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बुजुर्गों की तुलना में अच्छी होती है। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में क्या नवजात, क्या बच्चे और क्या नौजवान, सभी कोरोना संक्रमण की चपेट में। वडोदरा में 15 दिन के बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए। आपने सही सुना, 15 दिन के नवजात बच्चों को कोरोना हो गया। वडोदरा के सयाजी अस्पताल में 2 जुड़वा बच्चे कोरोना संक्रमित हुए। 15 दिन के जुड़वा बच्चों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। कुल 5 कोरोना संक्रमित बच्चे सयाजी अस्पताल में भर्ती हैं। बच्चों में कोविड इस संक्रमण में हम ज्यादा देख रहे हैं, जो कि पहले बार जब हमारा सितंबर में पीक आया था और लास्ट अप्रैल मार्च अप्रैल मई में भी जब देखा, तब हम तैयारी थे, क्योंकि जब भी कोई नया रोग आता है तो छोटे बच्चों और एल्डरली में ज्यादा दिखने मिलता है। लेकिन तब हमने क्या देखा कि छोटे बच्चे इतने सिम्टोमेटिक संक्रमित नहीं हो रहे थे, शायद घर में ही थे, लॉकडाउन में थे। तो क्या कोरोना का नया स्ट्रेन पहले से ज्यादा घातक है, जो बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा? इस नए केस ने लोगों को खौफजदा कर दिया है। मार्च के इस महीने के कोरोना के संक्रमण में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे दूसरे पेशेंट्स भी तो आ ही रहे, लेकिन इस बार के वायरल इन्फेक्शन में काफी बार बच्चे फीवर, कफ, कोल्ड, डायरिया, वॉमिटिंग लेके आ रहे हैं। उसमें हर कोरोना भी एक वायरल इन्फेक्शन ही रहा, इसलिए हमने उनको सभी को स्क्रीन करना शुरू किया, क्योंकि एडल्ट में भी हमारी पॉजिटिविटी बढ़ रही है। अभी तो अब देख रहे हैं कि दिन में 5-6 बच्चे तो एटलीस्ट पॉजिटिव हो रहे हैं, जो इस कंप्लेंट के साथ हमारे आउटडोर में आ रहे थे। वडोदरा की बात करें तो हर दिन 5 से 6 बच्चे पॉजिटिव डिटेक्ट हो रहे हैं। कोरोना के पहले वेव में बच्चे संक्रमित कम हो रहे थे, लेकिन दूसरी लहर में बच्चे भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कोरोना की दूसरी लहर को ज्यादा खतरनाक बताया। उनका कहना है कि नौजवान और बच्चे भी सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करें, क्योंकि जरा सी सावधानी हटी तो कोरोना से संक्रमित होने की दुर्घटना घट सकती है। अहमदाबाद में गोपी खंकर के साथ आज तक ब्यूरो।